हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट इन नर्सिंग सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो है क्वालिटी अश्योरेंस। एंड आज जो सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस, डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, प्रोसेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, अप्रोच टू क्वालिटी अश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। ये जितने भी सब टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो सबसे पहली बात, व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस। आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्वालिटी अश्योरेंस इज अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स और डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिलीवरिंग सॉल्यूशंस और सर्विसेज टू द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी अश्योरेंस एक तरीका है जिससे आप अपने मिस्टेक्स या फिर डिफेक्ट्स को अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में कम कर सकते हैं सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाइल यू आर गिविंग सर्विसेज टू द कस्टमर। ओके, एंड इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज क्वालिटी अश्योरेंस इज ए प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय एन इंस्टीट्यूशन That is designed to provide best possible care. ये definition दिलाव घेरी का है and it says कि एक program है जो design किया गया है best possible care देने के लिए। ठीक है, this is a very easy definition and basically मैंने ये definition निशा क्लीमेंट से लिया है, management in nursing निशा क्लीमेंट। तो बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। ये टेबल देखने में थोड़ा भयंकर लग सकता है बट दिस इज द इजीएस्ट वे जिससे आप क्वालिटी एश्योरेंस के प्रोसेस को सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला है प्लानिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। आपको जानना पड़ेगा कि आपके क्वालिटी आपके जो कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्कोप्स क्या क्या हैं, इसके बाद क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं एंड देन यू नीड टू अश्योर वो सर्विसेज कैसे बेस्ट हो। ठीक है, दिस इज प्लानिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट आता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। इससे आप अपना जो टारगेट गोल है उसको स्पेसिफाई करते हैं, आप क्या लिमिट पे अपना अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए आपकी सर्विसेज का। ओके, वंस यू हैव डन दिस, वंस यू हैव सेट द स्टैंडर्ड्स, यू कैन नाउ कम्युनिकेट दीज स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस विद योर टीम। ठीक है, आपके टीम मेंबर्स को पता होने चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। ओके, सो दैट दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू इट। नेक्स्ट आप लोग आ जाएंगे क्वालिटी की तरफ। अभी आपके स्टैंडर्ड्स, आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो आपकी कम्युनिटी में या फिर आपके जो टीम है उनको पता है। नाउ यू विल बी लुकिंग फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को देखने के बाद, मॉनिटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। आपने हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख लिया है, हर सर्विस की क्वालिटी को देख लिया है। नाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, यू विल बी लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग कि कौन से सर्विसेज को आपको इम्प्रूव करना है, आप डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम देखना है कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो आपको डिफाइन करना है। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यू विल नाउ सेलेक्ट द टीम हु आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। दैट इज आइडेंटिफाइंग हु विल वर्क ऑन द प्रॉब्लम और क्रिएटिंग अ टीम। ठीक है, आप हर किसी को ये चीज़ बोल नहीं सकते, सो दैट इज वाई हायर अ टीम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नाउ दिस टीम विल एनालाइज एंड स्टडी द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। देन आप चूज करेंगे या फिर डिजाइन करेंगे सोल्यूशन। आप वेरियस ऑप्शंस रखेंगे ताकि एक काम ना करे तो दूसरा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यू विल चूज एंड डिजाइन सोल्यूशन एंड उनमें से एक सोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद यू विल अगेन सी द स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। देन यू विल सी उसमें क्वालिटी क्या है वो देखेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइंस को फिर से आप रिव्यू करेंगे, अगर वो बेस्ट है देन यू विल कीप फॉर इट, अदरवाइज द साइकिल कंटिन्यूज। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। बढ़ते हैं अभी अप्रोचेस के तरफ, आप कैसे क्वालिटी अश्योरेंस को अप्रोच कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज और थ्री अप्रोचेस टू क्वालिटी अश्योरेंस। नंबर वन है स्ट्रक्चरल एलिमेंट, नंबर टू है प्रोसेस एलिमेंट, नंबर थ्री है आउटकम एलिमेंट। इन तीनों का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब है फिजिकल सेटअप। आप अपने जो सर्विसेज हैं उसके फिजिकल सेटअप को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे अप टू द मार्क रखते हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चरल एलिमेंट और स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस एलिमेंट, दैट इज
आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं, ठीक है। जो थर्ड अप्रोच है दैट इज़ आउटकम एलिमेंट। आप अपने रिजल्ट को देखेंगे या फिर आउटकम ऑफ द सर्विसेज को देखेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू इम्प्रूव इट ऑन योर रेगुलर बेसिस। सो लेट मी गिव यू सम इजी एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सम इजी एग्जांपल वुड बी द इक्विपमेंट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसके बिना आप जो है वो क्वालिटी केयर है वो पेशेंट्स को नहीं दे पाएंगे। प्रोसेस एलिमेंट एग्जांपल्स होंगे एक्चुअली द केयर दैट यू आर प्रोवाइडिंग, दैट इज नर्सिंग असेसमेंट और इट कुड बी अ वुंड ड्रेसिंग और नर्सिंग केयर दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट। दैट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व एंड उसमें क्वालिटी इन्वॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कम्स द आउटकम एलिमेंट, दैट विल बी ऑब्वियसली यू माइट हैव गेस्ट इट आउट, मॉडिफिकेशन इन साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट हैज अराइव्ड विद सम साइन एंड सिम्टम्स एंड नाउ इट इज रिड्यूसिंग डे बाई डे, दैट इज actually giving you result of your care. So there you can improve the quality. If it's not improving, that means your care is not up to the mark. Then there will be another example like improved health status. Okay, so these are the three approaches to quality assurance. अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। सो नंबर वन प्रिंसिपल इज क्वालिटी एश्योरेंस शुड इंक्लूड रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार एक इंस्टीट्यूशन को इवैल्यूएट किया एंड देन वी डोंट इवैल्यूएट इट एनी मोर, वी नीड टू इवैल्यूएट इट रेगुलरली, ठीक है। देन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम शुड इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज clear and measurable standards and objectives. Whatever the institution we are evaluating, they should have a clear standard जिससे हम लोग compare कर सके हमारे product को, okay? Then we should have guides for implementing the evaluation. How are we going to check out कि product जो है या फिर service जो है वो कैसा है, हमारे पास वो complete guide होना चाहिए। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया हो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो दे दूंगी। एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम कम्युनिटी टू गिव मी अपडेट्स ऑन वट टॉपिक यू वुड लाइक फॉर योर एग्जाम प्रिपेरेशन। ओके, यू इफ़ यू वॉन्ट डिटेल नोट्स ऑफ दिस पॉइंट्स यू कैन आस्क मी एट माई टेलीग्राम ग्रुप, ताकि मैं आपको वहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। दिस विल बी ओनली लिमिटेड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर देन दैट वी विल हैव सम प्राइस और सम फीस फॉर दोज हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो जल्दी से मैसेज कीजिए ताकि आपके पास नोट्स हो एंड प्लीज सब्सक्राइब ताकि आपको फर्दर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियोज मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।